हाय फ्रेंड, आज वीडियो हम बात करने वाले हैं ईसीसी इंटरनेशनल टी10 चैंपियनशिप वीक का। आज का जो थर्ड मैच होगा वो खेले जाने वाला है आयरलैंड वर्सेस इटली के बीच में शुरू होगा। मैच का टाइम रहने वाला है आज रात 7:30 में शुरू होगा। वेदर की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ है, सेम ग्राउंड पर मैच है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो बैलेंस सरफेस है, एवरेज स्कोर 120 से 140 के बीच में रहने वाला है। वेन्यू रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल ना अब तक 107 मैच कम्प्लीट हो चुके हैं। 47 मैच जीते बैटिंग फिटने वाली टीम ने, वो 60 मैच में ना तो चेंज हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आयरलैंड की टीम की। तो टीम की बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जाके ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर ही आपको अपडेट्स फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाली हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक एक तो आपको इस वीडियो के डिस्कशन में, दूसरा जहाँ पर आप कमेंट करते हो वहाँ पर ऊपर ही पर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे हमारे अकाउंट पर क्लिक करोगे आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे, वहाँ ज्वाइन हो सब पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। बात कर लेते हैं आयरलैंड की टीम की। लास्ट 6 मैच के लिए टीम 3 मैच हारी है, 3 मैच विन के हैं। लास्ट मैच ओपनिंग की थी सीमस लिंच ने और टीम ट्रैक्टर ने। लिंच की बात करें तो 48-50-53-44-0 और 10 रन की अच्छी पारी इन्होंने खेली है, और आपके लिए बेस्ट पिक रहने वाला है, क्योंकि देख सकते हो सिर्फ 2 ही मैचों में थोड़ा डाउन रहा था, बट पहले 4 मैचों में काफ़ी अच्छे पॉइंट इन्होंने दिए थे। इसी से 16 मैच खेले हैं, 443 रन है, 73 का एवरेज है, मौका जरूर देना है। टीम ट्रैक्टर की तरफ आ जाते हैं, 48-0 विकेट, 108 एक विकेट, 0 विकेट और 21 रन, 0 विकेट। लास्ट 2 मैच ऐसे हुए थे जिसमें ये विकेट लेस रहे थे, ना तो इन्होंने बैटिंग से अच्छा किया ना बॉलिंग से अच्छा किया, बट बेस्ट पिक होने वाला है। आप अपना इसे वीसी भी कर सकते हो, क्योंकि ना खिलाड़ी का स्टेट्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर ये खेलेगा तो आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से ना बहुत ज़्यादा पॉइंट देने वाला है। सेम हॉजकिंस की बात कर लेते हैं, 9 बैटिंग, 14-0 विकेट, 10-0 विकेट, 3 विकेट, 97 रन, 66 नॉट आउट, 1 विकेट। देख सकते हो यहाँ पर आपको ये भी बेस्ट पिक होने वाला है आपके लिए, क्योंकि लास्ट मैच में ना 66 नॉट आउट के साथ में 1 विकेट निकाला था 2 ओवर डाल के, उससे पहले 97 रन की अच्छी पारी खेली थी। तो ये आपके लिए बेस्ट पिक होगा, क्योंकि ना इनकी बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों बेस्ट हैं, तो मौका आपको अपनी टीम में इसे जरूर देना है। स्कॉट मैकवेथ की बात कर लेते हैं, 44-22-8-9-42 नॉट आउट और 12 रन। देख सकते हो यहाँ पर हर मैच में काफ़ी अच्छी इन्होंने बैटिंग की है। ईसीसी के यहाँ पर 16 मैच में 194 रन है, 4 विकेट, 7 ओवर डाल के, बट अभी तक इन्होंने ओवर डाला नहीं। अगर बॉलिंग करेंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों से पॉइंट मिल जाएंगे। गेविन होइक की बात कर लेते हैं, 0 विकेट, 2 विकेट, 12-0 विकेट, 28-0 विकेट, 0 विकेट और 8 रन। यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ यहाँ पर ना पूरे टोटल मैचों में ये विकेट ले रहे हैं, सिर्फ 1 मैच में विकेट निकाल पाए थे, 2 ओवर डाल के 2 विकेट निकाले, बाकी पूरे 5 मैचों में फ्लॉप रहे हैं। ईसीसी के 6 मैच में 18 रन है, 4 विकेट है, 10 ओवर डाल के। जेरेड विल्सन की बात कर लेते हैं, 0 विकेट, 0 विकेट, 14-12, 2 विकेट और 1 विकेट, लास्ट दोनों मैचों में ये विकेट निकाल पाए थे, बाकी पहले 4 मैचों में ये फ्लॉप रहे हैं। ईसीसी के 16 मैच में 152 रन है, 12 विकेट है, 22 ओवर डाल के। माइक फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट। यहाँ पर देख सकते हो 2 मैच ऐसे गए थे जिसमें ये 2-2 ओवर डाल के विकेट ले रहे थे, बट 4 मैचों में इन्होंने कन्फर्म अच्छे पॉइंट दिए थे, क्योंकि विकेट लिए थे। ईसीसी के 5 मैचों में 5 विकेट, 9 ओवर डाल के। कैमरून मेल्ली की बात कर लेते हैं, 9 बैटिंग, 58 नॉट आउट, 9 बैटिंग, 25-1 और 9 बैटिंग। सिर्फ 2 ही मैच में ये ना बैटिंग से अच्छे पॉइंट दे पाया था। ईसीसी के 16 मैच में 198 रन, 39 का एवरेज आ रहा था। लियाम डोहर्टी की बात कर लेते हैं, 9 बैटिंग, 9 बैटिंग, 16-0 और 9 वेटिंग। ईसीसी के 4 मैचों में 42 रन है, 0 विकेट है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी तक अच्छे पॉइंट इन्होंने नहीं दिए। मैथ्यू वेल्डन की बात कर लेते हैं, 1 विकेट, 9 बैटिंग, 1 विकेट, 0 विकेट। 2 ही मैच में ये विकेट निकाल पाए थे, बाकी 4 मैचों में फ्लॉप रहे थे। रिसेंट फॉर्म इनका 0 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट। ओली रेले की तरफ आ जाते हैं, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट। 3 मैच में ना ये विकेट निकाल पाए थे, बाकी 3 मैचों में फ्लॉप रहे हैं। ईसीसी के 5 मैच में 6 विकेट है, 8 ओवर डाल के। बेंच में से जो भी कोई प्लेयर लगा उनकी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। स्टार्टिंग को डाला जाएंगे टी ट्रैक्टर, ओ रिले और एस ओरिवेंस। डेथ को डाला जाएंगे एम फॉरेस्ट, जे विल्सन, एस हैरिवंस। जो डेथ में बॉलिंग करेगा ना वो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट देने वाला है, क्योंकि विकेट के पॉइंट आपको अच्छे ये देखे जाएंगे। तो यहाँ पर हम दूसरी टीम इटली की बात कर लेते हैं। लास्ट 6 मैच के लिए टीम 3 मैच हारी है, 3 मैच पहले विन के हैं। लास्ट मैच ओपनिंग की थी जे नकवी ने और दिनुद मरागी ने। नकवी की बात करें तो बेस्ट पिक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ना फर्स्ट और लास्ट दोनों मैचों में फ्लॉप रहे थे, बट उससे पहले वाले बीच वाले मैचों में ना 52
तीस सौ और 25 रन की अच्छी पारी इन्होंने खेली थी। ईसीसी के 18 मैच में 374 रन है, 26 का इनका एवरेज रहा था। दिनों तो आगे की बात कर लेते हैं, 0-8-43-55 नोट आउट, 1 विकेट 0 विकेट 47 0 विकेट। यहाँ पर देख सकते हो लास्ट मैच में एक ओवर डाल के विकेट लेस रहा था, बट 47 रन की अच्छी पारी इन्होंने खेली थी। ईसीसी के 5 मैच में 92 रन है, 2 विकेट हैं। राजमणि सिंधु की तरफ आ जाते हैं, 22 1 विकेट 10 2 विकेट 6 1 विकेट 10 0 विकेट 0 विकेट और 14 3 विकेट। हर मैच में आपको दो दो डालता दिखाई देगा और बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों काफ़ी अच्छी करता है। आप अपना वीसी से कर सकते हो, क्योंकि ना मैच में आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से पॉइंट देगा। इसी से 16 मैच में 441 रन है, 20 का एवरेज है, 9 विकेट है, 14 ओवर डाल के। आमिर शरीफ की बात कर लेते हैं, 4 1 विकेट 26 4 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट और 2 विकेट। दो मैचों में ये विकेट लेस रहे थे, बाकी चारों मैचों में कन्फर्म दो दो डाल के ना इन्होंने कन्फर्म विकेट निकाले थे। बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। इसी से 40 मैच में 968 रन है, 30 विकेट इनके नाम है। जॉय परेरा की तरफ आ जाते हैं, 52-0-15 नोट आउट, 9 बैटिंग 51-0 विकेट और 22 नोट आउट। देख सकते हो ईसीसी के ना 6 मैच में 87 रन है, 1 विकेट इनके नाम है, बट यहाँ पर बॉलिंग सिर्फ इन्होंने ना एक ही मैच में की थी, एक ओवर डाला था, बट ये विकेट ले रहे हैं, बट इनकी बैटिंग काफ़ी अच्छी है, मौका आप अपनी टीम में दे सकते हो। यहाँ से आ जाते हैं निसरमल पेरोंडो की बात कर लेते हैं, 14-12-9 बैटिंग, यहाँ पर 26 और 8 रन। जेन अली की तरफ आ जाते हैं, 13-1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट और 8 रन 0 विकेट। यहाँ पर दो ही मैच ऐसे हुए थे जिसमें ये फ्लॉप गए थे, बाकी पहले चारों मैचों में कन्फर्म इन्होंने अच्छे पॉइंट दिए थे। एक मैच में तो 2 ओवर डाल के 3 विकेट भी निकाले थे। इसी से 5 मैच में 28 रन है, 5 विकेट है, 7 ओवर डाल के। आप अपनी टीम में इसे मौका जरूर देना है, क्योंकि ना आपको पॉइंट अच्छे ये दे सकता है। यहाँ से आ जाता है जसप्रीत सिंह की बात कर लेते हैं, 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट और 2 विकेट। सिर्फ एक मैच में 2 ओवर डाल के विकेट ले रहे थे, बाकी पूरे 5 मैचों में इन्होंने कन्फर्म विकेट निकाले थे। इसी से 19 मैच में 23 रन है, 28 विकेट है, 32 ओवर डाल के। मोहम्मद अरसलान की बात कर लेते हैं, 2 विकेट 0 विकेट, पहले मैच में विकेट निकाल पाया था, बट लास्ट के मैच में 2 ओवर डाल के विकेट ले रहा था। T10 के 26 मैच में 450 रन है, 29 विकेट हैं। 2023 में 10 मैच खेला था, 201 रन है, 11 विकेट हैं। सिमरजीत सिंह की बात कर लेते हैं, 17 9 बैटिंग 1 नोट आउट और 9 बैटिंग। सिर्फ एक मैच में बैटिंग मिली थी, 17 नोट आउट बना के गए हैं, बाकी पूरे मैचों में 9 बैटिंग रहे हैं। सुजीत रेलकोटा की बात करें तो ये भी टोटल 6 मैचों में 9 बैटिंग रहे हैं, ना तो इन्हें बैटिंग मिली ना बॉलिंग मिली, तो इसे भी हम ड्रॉप करेंगे। बेंच में से जो भी कोई प्लेयर खेलेगा उनकी जानकारी टेलीग्राम पर मिलेगी। स्टार्टिंग को डालना जाएंगे ए सारिफ एम अरसलान और जसप्रीत सिंह डेथ को डालना जाएंगे जेड अली जो बॉलिंग करेगा वो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि विकेट के पॉइंट आपको चाहिए देके जाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो के एनालिसिस वाला पार्ट चुका है कंप्लीट, चलते हैं डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लेना है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर ही आपको अपडेट और फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक एक तो आपको इस वीडियो के डिस्कशन में, दूसरा जहाँ पर आप कमेंट करते हो ना वहाँ पर ऊपर ऊपर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे आप हमारे अकाउंट पर क्लिक करोगे आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे, वहाँ ज्वाइन हो सब पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते, चलते अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम में यहाँ पर मैंने विकेट कीपर सेक्शन से करने वाला हूँ एस लिंच को, बैटिंग सेक्शन से टी टेक्टर को, जेड नकवी को, एस हरिवंश को, ऑलराउंडर सेक्शन से एस आरिफ को, आर सिंधु को, एस मैकबेथ को और यहाँ से डी मरागे को, बॉलिंग सेक्शन से जे सिंह को, एम फॉरेस्ट को, जे विल्सन को, कैप्टन करने वाला हूँ ए सारिफ को, वाइस कैप्टन करने वाला हूँ आर सिंधु को। बट ये मेरी फाइनल टीम बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ मेरी डेमो टीम है, फाइनल टीम में बैटिंग ऑर्डर आने के बाद में ही दे पाऊंगा। अगर आपको अच्छी अर्निंग करनी तो आपको जरूर से जाके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि पिछले मैचों की आप अर्निंग देख सकते हो, हमने काफ़ी मैचों में अल्ट्रा क्लीनशिप की थी। अगर आपको भी इस मैच में अच्छी विनिंग करनी है तो आपको जरूर से जाके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना है, और ऐसे ही सपोर्ट हमारे चैनल बनाए रखिएगा। ब्रेंड धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।